मध्य प्रदेश में मैंने सुना है 8 अलग अलग इलाके में कांग्रेस 8 अलग अलग भाषा बोलती है। जैसा इलाका और वहां कहते हैं नहीं नहीं मुख्यमंत्री तो इधर वाला ही बनने वाला है, दूसरे इलाके में जाकर नहीं नहीं मुख्यमंत्री तो यही बनने वाला है। 8-8 मुख्यमंत्रियों के चेहरे लेकर के ये भटक रहे हैं जी, क्या ये मध्य प्रदेश की जनता को जानते नहीं है क्या? ये कांग्रेस वाले अभी भी वो आपातकाल की मनोदशा में जी रहे हैं। उनको लगता है कि इमरजेंसी में दिल्ली से एकजुट बोला जाता था, हिंदुस्तान में वो धीरे धीरे परकोलेट हो जाता था, लोग मान लेते थे। अरे जमाना बदल चुका है, 50 साल उसके बाद बीत चुके हैं और इसलिए आज आपके हर झूठ को पल पल लोग चुनौती दे रहे हैं। आप सोचते होंगे कि आप छिंदवाड़ा में एक बात बोलोगे और ग्वालियर में दूसरी बोलोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। अरे वहां मंच से उतरने से पहले लोगों को पता चल जाता है कि आपने छिंदवाड़ा में क्या बोला और ग्वालियर में क्या बोला है। क्यों जनता के साथ धोखा कर रहे हो? अरे हिम्मत है तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का नाम घोषित करके निकलो ना। जिस पार्टी के मुखिया अपनी पार्टी का सिरमौर कौन होगा इसका नाम तय नहीं कर पाते, वो आपका भविष्य तय कर पाएंगे क्या?